नमस्ते, मैं कल्पना। रसोई संसार चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं केवल दूध से बनने वाली मिठाई, स्पेशल दानेदार कलाकंद, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे हम कभी भी झटपट बना सकते हैं। इसमें कोई भी चाशनी बनाने का झंझट नहीं है। यह बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाती है। यह मिठाई केवल दूध और चीनी से बनती है और दिवाली आने वाली है, तो चलिए आइए मिठाई बनाते हैं। कलाकंद बनाने के लिए हमने 1 किलो दूध लिया है और कढ़ाई में हमने 1/2 किलो दूध डाल दिया है। 1/2 किलो दूध हमने भुगोनी में रख दिया है गरम करने के लिए फुल फ्लेम पे। कढ़ाई वाले दूध को हमें तब तक गरम करना है जब तक कि इसका दूध हाफ ना हो जाए, और भुगोनी वाले दूध को हम फाड़ेंगे, इसलिए हमें इसे गरम करेंगे पहले। तो दोनों को गैस को फुल फ्लेम पे कर दिया है और अब गरम होने देते हैं। देखिए, कढ़ाई वाला दूध गरम हो गया है। अब गैस को हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे ताकि ये दूध बाहर ना जाए, और इसे हमें गैस को चालू ही रखना है और इसे हिलाते जाना है। इसको मलाई को मिक्स कर लेंगे। इस दूध को हमें 1/2 करना है, उबाल होने देना है थोड़ा सा। तो हमें गैस को फुल से मीडियम रखना है और दूध को बाहर नहीं आने देना है। हम फ्लेम को उतना ही रखेंगे जितने में ये दूध बॉईल होता जाए और बाहर न निकले। हम बीच बीच में दूध में आने वाली मलाई को दूध में मिक्स करते जाएंगे, और जो किनारी पर मलाई लग गई है उसे भी खुरच कर हम दूध में मिक्स कर देंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि दूध तले में न लगने पाए। तो अब हम भुगोने वाले दूध को भी देख लेते हैं। देखिए, भुगोने वाला दूध भी गर्म हो गया है और अब हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इसे 2 मिनट थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे फाड़ेंगे। देखिए, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये ठंडा हो गया है। अब इसको फाड़ने के लिए हम नींबू का रस डाल सकते हैं छानकर, या फिर विनेगर डाल सकते हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा विनेगर डाल रहे हैं और इसे हिलाते जाएंगे। देखिए, ये हमारा दूध फट गया है, ये देखिए, और ये छेना तैयार हो गया हमारा। देखिए, और इधर हमारे कढ़ाई में भी दूध चढ़ा हुआ है, इसे भी हम मलाई को बीच बीच में मिलाते जाएंगे। तो देखिए, हमने छलनी ले ली है और एक भुगोनी रख दी है, और इस पर हम कॉटन का कपड़ा रख देंगे सफ़ेद, अच्छा वॉश किया हुआ। अब हम इसमें छेना छान लेंगे हमारा। अब इसे हम साफ पानी से वॉश कर लेंगे। अभी थोड़ा सा ये गर्म है छेना, थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे, और देखिए ये हमारी कढ़ाई वाले दूध में मलाई आती जा रही है और अब इसे मिक्स करते जा रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा दूध लगभग 1/2 हो गया है और ये काफ़ी अच्छा थिक हो गया है। अब इसमें हम छेना डाल देंगे, इस तरीके से मैश कर देंगे थोड़ा सा। हम इसे कढ़ाई में डायरेक्ट मैश कर रहे हैं। आप चाहें इसे अलग से एक साथ मैश करके एक साथ डाल सकते हैं।
इसी तरह हम सारा छेना मैश करके डाल देंगे। गैस को फुल कर लेंगे और इसे तब तक गर्म करेंगे तब तक ये जमने के बराबर ना हो जाए, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी दूध नहीं रहेगा। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे, 2 से 3 इलायची का पाउडर है और इसमें चीनी डाल देते हैं 50 ग्राम। चीनी डालने के बाद ये काफ़ी पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी चाशनी छोड़ती है, तो हमें गैस को फुल फ्लेम करना है और इसे अच्छे से हिलाते जाना है। अगर हम इसकी मिठाई नहीं जमाना चाहते तो हम इसे ऐसे ही ठंडा करके चम्मच से खा सकते हैं, यह भी बहुत यम्मी लगता है। पर हम स्पेशल दिवाली के लिए मिठाई बना रहे हैं तो हम इसे जमाएंगे, तब तक हम ट्रे भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये जमने के बराबर हो गया है, अब इसमें दूध नहीं है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो हमने एक ट्रे ले ली है, इसमें फॉइल पेपर लगा लिया है और अच्छे से इसको घी से ग्रीस कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसे थाली में भी जमा सकते हैं, पर अच्छे से थोड़ा सा घी ग्रीस कर लेंगे। तो अब हम इसे ट्रे में डाल देंगे और अच्छे से फैलाकर इसे जमा लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना दानेदार और कितना यम्मी है। तो अच्छे से हमें इसे चम्मच से फैला लेंगे और इसे हमें ज़्यादा जल्दी जमाना है तो इस ट्रे को हम फ्रिज में भी रख सकते हैं और 10 मिनट में ये बाहर भी जम जाएगी। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स, बादाम कतरन, पिस्ता कतरन से सजा सकते हैं। अब मिठाई को जमने देंगे। तो देखिए हमारी मिठाई जम गई है, अब इसे हम कट करेंगे। तो देखिए मिठाई बहुत अच्छे से जम गई है, आप चाहें इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, हम इसे चौकोर शेप में कट कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल दानेदार कलाकंद है और बहुत ही यम्मी है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आप भी दिवाली पर ये मिठाई ज़रूर बनाइए और अपने कमेंट्स हमें रसोई संसार पर ज़रूर लिखें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय।